वे पे सही से, यहाँ से तो नहीं रहता इतना जाम यार, क्योंकि यहाँ से अब पूरा ऋषिकेश 23, देहरादून 51, तो जाऊँगा मैं ऋषिकेश ही। रोड काफ़ी अच्छा बन गया यार हरिद्वार में। वो अपोजिट साइड पूरी हर की पैड़ी है, RTR। हर हर महादेव। यहाँ पे देखिए काफी शानदार लग रहे हैं महादेव अपने। देखिए चूतिया है सारा जैसे, अब इंडिकेटर नाम की कोई चीज होती है चूतिया। यहाँ उत्तराखंड में तो दिक्कत है यार, स्पीड कैमरे ने लगे हो गई। अब थोड़ा खुला मिला है, सामने यार बादल है पूरे तगड़े, वो है देहरादून वाला एरिया मेरे को लग रहा है से, पूरे बादल लगे हुए, मतलब बारिश वाला सीन है उधर भी पूरा। यार इन्होंने पता नहीं फ्लाईओवर वगैरह पे ट्रक क्यों खड़े करे रहते हैं। यार अभी हरिद्वार में खाना खाया और निकल रहे हैं घर के लिए। देखे गाड़ी डाल रहा है यार इधर उधर। अरे ट्रक लगे हुए यार, आधी रोड तो इन्होंने घेरी रहती है, मेरे को तो समझ नहीं आता यार इनको। ऋषिकेश के लिए ऊपर से निकल जाए, डायवर्जन तो बनाया है, पता नहीं शायद बाइक्स के लिए अलाउड अभी मेरे को लग रहा। यार यहाँ से व्यू देखो यार, सामने पहाड़ियाँ दिख रही है, इधर पूरा प्लेन। नटरा चौक क्रॉस कर लिया ऋषिकेश का, और ये है अब ढाल वाला का पुल, ठीक है। और सैटरडे संडे तो यार इतना पैक रहता है ना ये तगड़ा ही। आज तो देखो सही है, खुला ही है मेरे को लग रहा है, आगे तो है जाऊँ। मौसम भी तो चेंज लग रहा है यार, बारिश होगी रास्ते में तो फिर दिक्कत हो जाएगी। भाई ये G20 का समिट होने वाला है ऋषिकेश में, तो पूरे आजकल सजा भी रखे और कमांडोज वगैरह भी रेगुलर दिख रहे हैं यार।
से क्रॉलिंग करके निकलना पड़ता है यार। यार ऋषिकेश ऑलमोस्ट क्रॉस कर ही लिया है समझो, बट फिर भी है यार ट्रैफिक तो है इधर, ट्रैफिक तो काफ़ी है। ट्रैफिक तो काफ़ी है भाई। तो यार फाइनली निकल गए उस जाम से, बट यहाँ भी अभी भी है यार ट्रैफिक तो है, जाम नहीं है बट ट्रैफिक मतलब आपको बॉन्ड कर देता है चीज़ों में, बांध देता है कि यार आप इससे ज़्यादा नहीं चल सकते। तो यार ये है ब्यासी, मतलब क्रॉस कर लिया ब्यासी, तो थोड़ा रेस्ट करके एक स्टिंग पी के भाई, क्योंकि टू टाइम्स ज़्यादा कैफीन होता है तो बॉडी थोड़ा एनर्जेटिक रहती है भाई। हमेशा नोट करना, कभी कहीं जाना हो कोल्ड ड्रिंक्स मत पियो, एक चार्ज या स्टिंग पी लो भाई, सही में बढ़िया। ये तो एक कॉफ़ी पी लो, ब्लैक कॉफ़ी भाई, बस उसके बाद फ्रेशनेस फील होगी और जो डलनेस होगी ना वो ख़त्म हो जाएगी यार, थकान दूर होती है। तो यार अभी बज रहा है लगभग 6:30 और यार यहाँ पे ना मौसम ऐसे हो रखा है, सिर्फ इस एरिया में बादल एकदम बारिश वाले यार। अभी मैं हूँ कौडाले से थोड़ा ऊपर और भाई मेरे तो पड़ती है भाई गाड़ी, भाई ये आ गया तोता घाटी यार, हम पहुंच गए तोता घाटी पे। जो भी है अभी भी डेंजरस है यार, सामने देखो यार, शायद बारिश हो रखी है तो उसके बाद का मौसम जैसा रहता है ना उस टाइप का हो रखा है सामने। और टॉप चढ़ाई है और उसके बाद जो टॉप है डाउन है ना, उससे हम नीचे उतर चुके हैं, अब इसको बोलते हैं साकनीधार, वहाँ से तो निकल चुके हैं। अब यहाँ पे जो है आएगा तीन धारा और उसके बाद फिर आएगा, आने वाला है मतलब तीन धारा भी, उसके बाद आएगा तीन धारा और फिर आएगा देवप्रयाग, नेक्स्ट स्टेशन है देवप्रयाग। नली एक कंप्लीट है, माइलस्टोन ही बोलूँगा यार, हम पहुँच गए भाई तीन धारा।
तीन धारे पे भाई हमेशा ही रौनक रहती है। देखो गाड़ियाँ अभी भी लगी हुई हैं, तो मेरे को लगता है शायद 24/7 ही चलता होगा ये। तो यार बस देवप्रयाग इंटर कर ही रहे हैं, क्या कर रहे हैं अंकल भाई सामने देखो यार कितना प्यारा रिसॉर्ट है और कितनी प्यारी लोकेशन है। यहीं से गंगा जी का उद्गम होता है, एक तरफ से भागीरथी और एक तरफ से अलकनंदा का कॉन्फ्रेंस पॉइंट है ये, इसलिए देवप्रयाग कहते हैं इस जगह को। और यहाँ से आगे जो कॉन्फ्रेंस पॉइंट के बाद गंगा जी नाम हुआ है इनका नदी का। जो भी हो रोड बड़ी अच्छी हो चुकी है सभी जगह उत्तराखंड में। तो ये मेन मार्केट है भगवान का भाई, पहुंच गए यहाँ पे। तो यार रात के बज गए हैं 9:30 के करीब और मैं पहुंच गया श्रीनगर। यार पीछे मेरे भाई लोग मिल गए थे तो उनके साथ रुक गया था थोड़ा, और श्रीनगर मार्केट तो शायद बंद ही हो गया यार 9:30 बजे भी। तो इंटर कर ही रहे हैं अभी, ये पीछे SSB वाला एरिया था यार। और यार इधर कितना सुकून मिलता है यार अपने एरिया में आके, मौसम भी क्या सही है भाई, गर्मी ना कुछ, परफेक्ट मौसम एकदम मस्त वाला। ठीक है भाई जी, हाँ चलो ठीक है भाई, चलो मिलते हैं फिर। हाँ हाँ छुट्टी है भाई जी, चलो मिलते हैं। हाँ तो यार भाई चले गया घर अपने, हम भी जा रहे हैं घर। और ये यूनिवर्सिटी गेट वाला एरिया है बहुत प्यारा। तो ये यार बस अड्डा श्रीनगर का, जहाँ पे आपको मतलब बसेस मिलती हैं केदारनाथ वगैरह के लिए। भाई ये होटल होटल के लिए सब ऐसे चिल्लाते हैं लोग। क्योंकि हम लोगों को रुकने का टाइम हो गया ना, ऐसे सारे होटल ही ढूंढते हैं तो बंदे भी खड़े रहते हैं होटल वाले गाड़ियाँ लगवाने के लिए। सो फिर ये ब्लॉग यहीं तक था, आई होप आपको अच्छा लगेगा। और ये थी UP से लेके उत्तराखंड तक की जर्नी, और पहले पार्ट में डालूंगा मैं उत्तराखंड से लेके UP तक की जर्नी। वो मैं गया था कोटद्वार वाले रास्ते से, अब जो मैं आया मैं दूसरे रास्ते हरिद्वार होके। रूट बढ़िया है वो भी, बस थोड़ा ट्रैफिक फंसता है ऊपर वाले में, ऐसी दिक्कत नहीं है, बट यार वो रोड अच्छा नहीं है इतना। और ये हनी बॉय का स्टूडियो, तानिया भी कहाँ है हनी बॉय।